ये प्रॉपर सपोर्ट्स दे सकते हैं। अब ये फेलियर ही चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री भी इनसे मिलने जा रहे हैं तब भी चीजें सही नहीं हो रही, हम लोग पब्लिक मीटिंग्स में साथ रहते हैं, हम लोग बात करते हैं बट एक दूसरे को अपोज भी करते हैं। अब प्रोग्रेस 2019 के बाद क्या है, कई जगह पर अगर बात करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे पुलवामा में जो केस हुआ वो हमारे लिए बहुत बुरी चीज थी, जैश ए मोहम्मद का, ठीक है, 40 सीआरपीएफ पर्सनल्स मरे थे और पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ भी बोलने से स्टार्ट कर दिया, मना कर दिया था, फिर इंडियन फाइटर जेट्स यहाँ पे घुसते हैं, इनकी टेरिटरीज में जाते हैं और इनको पूरी तरह खत्म करते हैं यहीं पर, एक हमारा प्लेन रुक जाता है, क्रैश हो जाता है जिससे अभिनंदन साहब पकड़ लिए जाते हैं, फिर उनको छुड़ाने के लिए हम मुहिम चलाते हैं और एक महीने में उनको वापस ले आते हैं अपने देश। देखो पहली चीज पाकिस्तान को ये मानना कि हमारे अटैक हुआ है, बेचती होती इंटरनेशनली, दूसरा मैं तुम्हारा फाइटर पकड़ा कैसे, तीसरा पकड़ा तो मैं वापस क्यों नहीं दे रहे भाई, अगर तुम्हारी किसी मिलिट्री जोन पे हमने अटैक नहीं किया, हमने तो टेररिस्ट ग्रुप मारे और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप है, तुम मार देते हम नहीं आते। अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता था कि वो हमारी आर्मी भी थी वहां पे तो वो खुद फंसता, तो एंड ऑफ द डे इन्हें अभिनंदन को छोड़ना ही था, क्योंकि अभिनंदन पे तुम ये नहीं लगा सकते रॉ एजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स का पायलट है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड पायलट होते हैं, जो पायलट्स होते हैं हर एक आर्मी के उनके बारे में सबको पता होता है, ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है, उनमें नेम होते हैं, उनका डेजिग्नेशन, तो उसको आप फेक नहीं कर सकते, तो इनको बाद में अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। तो कुलभूषण जाधव भाई साहब के बाद ये दूसरी हमारी डिप्लोमेटिक जीत थी, हमने एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक सब कुछ की, बहुत सारी कोशिश की, ठीक है, बहुत सारी कोशिश के साथ, उसके बाद जब लड़ाई हुई पुलवामा तो हमने 200 से ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा दी उन्होंने हम पर, हम मैंने उन पर, और भारत से पाकिस्तान सामान जाना पूरी तरह हो गया बंद, तो भारत पाकिस्तान के बीच में संबंधों में बहुत ज्यादा ढील आई। और थोड़े दिनों बाद पाकिस्तान को यह लगा कि यार इनसे लड़के हमारा नुकसान ही है, फायदा तो कुछ है नहीं, तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में एक और नई मुहिम हमारे सामने खड़ी हुई, ठीक है, पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सुधार दे तो देश में बहुत कुछ हो सकता है। पहली चीज, आर्मी को बहुत ज्यादा मोनोपोली देना बंद कर दे। पाकिस्तान क्या करता है बच्चों, आर्मी को बहुत ज्यादा मोनोपोली देता है, पाकिस्तानी आर्मी जो है बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज्ड। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की संसद से ऊपर है, जब पाकिस्तान की आर्मी चाहती है वहां के प्राइम मिनिस्टर को लात मार के भगा देती और खुद अपना सत्या लेती है, तो अगर वहां पे थोड़ा रेगुलेशन किया जाए, डिस्पाइट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन पाकिस्तान द मिलिट्री वील्ड्स अ रियल पावर, है ना, दैट होल्ड्स ट्रू स्पेशली द मैटर्स ऑफ द डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान में सेना तो है और सरकार भी है, पर सरकार से ऊपर सेना ही एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी मिलिट्री इज मोस्ट डोमिनेंट नेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द प्राइमरी डिसीजन मेकर एंड चीफ ओवरसीज ऑफ पाकिस्तान ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल। पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी सारी चीजें करती है, तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की तैयारी हमेशा रहती है। पीपल नीड टू एस्पेक्ट हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन नॉट, है ना, प्रायोरिटाइज्ड व्हाइल द मिलिट्री डिसाइड इट्स फॉरेन पॉलिसीज विद अदर नेशन लीडिंग टू द पाकिस्तानी इकोनॉमी फीलिंग टू बर्ड इन द रेडिकल डिसीजन बाय द मिलिट्री। पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, अर्थव्यवस्था अच्छी चाहिए, ठीक है, और देश में स्टेबिलिटी चाहिए, पर जो मिलिट्री होती है वो फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए इन सब चीजों को इग्नोर करती है। इसके बाद पाकिस्तानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग द पर्सनल, है ना, फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज इज ऑफन एक्यूज्ड सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग सेपरेटिस्ट मिलिट्री ग्रुप ऑपरेटिंग कश्मीर एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, ISI, उसमें आर्मी के लोग भर दिए जाते हैं, और आर्मी के लोग क्या करते हैं, भारत में इंसर्जेंसीज फैलाने के लिए फंड करते हैं लोगों को लोकल मैनर में। दिस मेक हाईली डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू अंडरटेक डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पाकिस्तान। इसी चक्कर में भारत पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं बना सकता। पॉलिटिकल रिफॉर्म पाकिस्तान में अगर हो जाता है, वो लोगों के वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, तो शायद ऐसा होगा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बदल जाए। पीपल टू पीपल रिलेशन सुधारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दोनों साइड के मीडिया को जस्टिफाई करना चाहिए कि दोनों देश के लोग आपस में क्या सोच रहे हैं और किस तरह रहना चाहते हैं। एक मिसकंसेप्शन और हेट और स्टीरियोटाइप जो लोगों के बीच में बना है, इसको खत्म करना पड़ेगा। यदि हम इसको खत्म नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए, हमारी कंट्री से लोग पाकिस्तान विवाह करने जा रहे हैं और वापस हमारे यहाँ भी लोग आ रहे हैं, यहाँ विवाह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप खत्म हो रहा है ना। हम पाकिस्तान से लड़कियां भगा के ला रहे हैं, हमारे यहाँ से वहां भाग के जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे। थोड़े दिन रुकिए तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान भारतीय दुल्हन बन जाए। भारत में लड़कियों की कमी होगी तो पंजाब हरियाणा के लोग भाग के तो वहीं जाएंगे।
तो देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन एक जो का पार्ट है, बट सीरियसली डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर आपको किसी कंट्री से अच्छे करने हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज होती है कि आपके अंदर हेटर नहीं होना चाहिए। अगर हेटरेट की फीलिंग है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप निगेटिव स्टीरियोटाइप लेके बैठे हो रहे, पाकिस्तानी बुरे ही होते। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच बुरी नहीं होती। देशभक्ति अच्छी बुरी नहीं होती, देशभक्ति देशभक्ति होती। मेरी हो आपकी हो देशभक्ति, या तो अच्छी है नहीं है तो बुरी। तो यहाँ पर इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए स्टीरियोटाइप बदले। इस टाइम मस्ट बी टेकन टू फैसिलिटेट ट्रैवल बिटवीन द टू कंट्रीज। वीजा को सही करें, टूरिस्ट को आने दें, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज का एक्सचेंज करें, प्रोफेशनल्स जाएं, आर्टिस्ट जाएं, इंटेलेक्चुअल्स जाएं, बायलैटरल टाइज बढ़े, सिंगर जाएं, मूर्तिकार जाएं, ठीक है, वहां से प्रोफेसर इंडिया आए, यहाँ के प्रोफेसर वहां जाएं, तब मजा आएगी। प्रमोट ट्रेड, हमें इंप्रूव करना चाहिए बायलैटरल ट्रेड, क्योंकि याद रखिए अगर ट्रेड हमारे बढ़ गए तो हम चाइना की तरह पाकिस्तान भारत को नहीं छोड़ पाएंगे। रिमूव नॉन टैरिफ बैरियर्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, ठीक है, और जो बहुत सारे परमिट्स का कॉन्सेप्ट है, उन सबको अगर हम खत्म कर दें तो हमें फायदा होगा। इम्प्रूव कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर, हमें वो प्रक्रिया बदलनी चाहिए जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस बहुत आराम से मिल जाए, उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। प्रोपोर्शनेट ट्रेड इज बेनिफिशियल फॉर बोथ साइड पॉसिबल थ्रू द राइट गवर्नमेंट पॉलिसीज। प्रोपोर्शनेट ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है, इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा जिसकी आवश्यकता आपको हमसे ले लो, जो हमें आवश्यकता है हम आपसे ले लें। जैसे चीनी और प्याज हम पाकिस्तान से ले सकते, पाकिस्तान हमसे बहुत कुछ ले सकता है, बट इसके लिए सरकार को बैठ के एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर सरकार इन पॉलिसीज पे काम करेगी तो फायदा होगा। सॉफ्ट डिप्लोमेसी रखनी चाहिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके लिए हमें एक पूरी है ना टेरिटरीज एड्रेस करनी चाहिए, वाटर प्रॉब्लम किस रीजन में कहां, इसके बारे में बात करनी चाहिए। पॉलिटिकल वैल्यूज पे ध्यान देना चाहिए, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात करनी चाहिए, ठीक है। क्रिकेट डिप्लोमेसी अब बहुत पुरानी हो गई, अब एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट फिर भी क्रिकेट डिप्लोमेसी एक टाइम पे बड़ी फेमस थी। भारत पाकिस्तान का मैच, मतलब भारत पाकिस्तान का मैच, आज भी जितने वर्ल्ड कप होते आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, भले 2020 हो, भले एशिया कप हो, हम कोशिश करते हैं भारत पाकिस्तान के दो मैच तो हुई, एक तो प्ले ऑफ में, दूसरा क्वार्टर फाइनल में, तीसरा सेमीफाइनल और चौथा फाइनल। पर सेमीफाइनल में लड़ाई तो फाइनल में नहीं लड़ेंगे, तो हम दोनों को अलग अलग रखते हैं, शायद फाइनल में लड़े तो ज्यादा है। आज भी क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान को देखने ज्यादा लोग आते हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंप्रूव द पीपल टू पीपल रिलेशन। देखिए सरकार अगर थोड़ी नरम होगी दोनों देशों की और देश के लोगों को घूमने जाने देगी तो आपका फायदा होगा। जैसे मान लो मुझे कराची के बीच पे घूमने जाना है गोवा की जगह, तो भारत सरकार मुझसे ये ना कहे अरे मालदीव नहीं जाने दे रहे, तो उनको हम कराची जाने देंगे, शक्ल देखे हो तुम अपनी, तो दिक्कत हो जाएगी। उनको क्या कहना चाहिए, जाओ तुम कराची भी घुमाना, पेशावर भी घुमाना, लाहौर भी घुमाना, हमसे उल्टा पैसा ले जाओ, रिलेशन बनाओ उन लोगों से, ठीक है, तो ये फायदा होगा। बट हम लोग ये चीज करते नहीं। और इसके बाद कॉमन इश्यूज में, जैसे पाकिस्तान और ये सिमिलर प्रॉब्लम है क्या, है ना, करंटली जो प्लेगिंग है इस रीजन में, इस पे ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली पाकिस्तान ने केमिकल्स जो थे वो इंडिया से कहा कि भैया हमारे पास चाहिए ताकि हम अपनी चीजों को सही कर पाए। इंडिया विक्टिम है किसके, है ना, लोकस्ट के अटैक से, तो लोकस्ट का जब अटैक होता है तो उसके लिए जो केमिकल्स चाहिए वो इंडिया से मांगे जा रहे हैं। अब जब वहां पे वो टिड्डे का अटैक होगा तो हमें भी बता देते हैं कि आपके यहाँ पे अटैक होने वाला, तो हम भी सचेत हो जाते हैं। इसके बाद सिमिलर प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, इनको हम बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली बायलैटरल रिलेशन हम सुधार सकते हैं। सोशल इश्यूज जैसे चाइल्ड मैरिज, कम पढ़ना, बीमारी, है ना, समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है हम दोनों की, तो हम लोग बैठ के आपस में अगर सुलझाएं तो शायद हमें टाइम मिलेगा। इसके बाद चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको मैं पाकिस्तान में भी पढ़ाऊंगा, आईआर में भी पढ़ा चुका हूं पहले भी। देखिए भारत कितनी कोशिश करे पाकिस्तान के साथ मिलने की, पाकिस्तान कोई ना कोई उंगली ऐसी डाली देता है स्लाइड में भी, है ना, कि जब हम लोग सोचते हैं कि अब हमारी दोस्ती हो जाएगी तो हमें एक नासूर दिख जाएगा। अभी तक देखो लग रहा था ना भारत पाकिस्तान दोस्त, देखो ये गलती आ गई। देखो हम आपको अभी भी बताएंगे, वहां से लोगों को यहाँ लाओ, यहाँ से मत लो। पाकिस्तान और हमारी डिप्लोमेसी में अंतर है, अब उस अंतर को आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते, अब नहीं बदल सकते तो लड़के ही मिलेगा। हर एक कंट्री इंडिविजुअली सोचती है अपने हिसाब से, होंगे तो ठीक, रॉ एजेंट तो हो ही नहीं सकते, जो यहाँ आए वो आईएसआई के एजेंट हो सकते हैं। आईएसआई के एजेंट भी होंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, बहुत तरह सीमा आई थी तो
क्या इंडिया में जो नागरिकता मिली थी उसको? हाँ भाई मिलेगी, अगर शादी करेंगे तो मिलेगी। अब बेटा यहाँ पर ये जो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक बनाया है, सीपैक में कोई इशू नहीं है, सीपैक बहुत अच्छा है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। 3000 किलोमीटर पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक लॉन्ग इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपने जिस गिलगित नामक प्लेस से निकाला है वो पीओके का भाग है, और पीओके मारो, नरेंद्र मोदी सेड मारो है, मारो दे दो भैया, तो कह रहे हम नहीं देंगे। बस इसी में सीपैक की लड़ाई चल रही है, बाकी सीपैक पे हम डिटेल में कोई बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये पहले तो पीओके से निकल रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट इन्होंने कहा पीओके से निकल रहा है। दूसरा, अगर ये सीजन में आ जाते हैं तो इंडियन ओशन पे पहुंच जाएंगे, तो इंडियन ओशन में पहुंचेंगे तो इंडिया की दिक्कत होगी। सीपैक सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इकोनॉमी, डेट कुड बी द रेड रैक फॉर इंडिया। अब पहले हमें लग रहा था कि जब सीपैक आएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरेगी, और पाकिस्तान रहा बेवकूफ, वो अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर लेगा। इंडिया शेयर द ग्रेट डील ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट विद चाइना एंड पाकिस्तान। अब इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ विश्वास नहीं पैदा कर पाता, दोनों हम उस पर शक करते हैं, वो दोनों हम पर शक करते हैं, तो कहने के हम लोगों की मित्रता अच्छी नहीं है, तो ये हिस्ट्री बता देंगे जब साथ में रहेंगे तो हमसे लड़ेंगे जरूर। ठीक, अब आपके लिए तोहफा 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 लाया लाया लाया। इसका हिंदी वर्जन थोड़ी देर में सर दे देंगे ग्रुप पे। देखिए पार्लियामेंट पे अटैक कैसे हुआ था, तो पार्लियामेंट पे अटैक किया था इन लोगों ने 2001 में, होटल ताज वाला अटैक है, तो दिल्ली मुंबई कोई भी ऐसा जगह नहीं होती जहां ये छोड़ते हो, तो ये अटैक तो करते थे, ठीक है। 2001 में लश्कर ए तैयबा ने पार्लियामेंट बिल्डिंग पर अटैक किया जो फेमस हुआ, 2008 में, ठीक है, इन्होंने मुंबई में अटैक किया, ठीक है, जिसमें ताजमहल से लेकर होटल ताज जो है इससे लेकर कहां तक इन्होंने अटैक किया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक। अब भारत पाकिस्तान के संबंध में एक बहुत अच्छी चीज हुई थी, इन्होंने अपनी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान ने बनाई थी, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति। बच्चों इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इन्होंने 5 साल की अवधि दी है, 2022 से लेकर 2026 तक पाकिस्तान भारत से शांति बना के रखेगा और युद्ध नहीं करेगा, याद रखना। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इन्होंने कहा है कि 2022 से लेकर 2026 तक हम भारत के साथ युद्ध नहीं करेंगे, कश्मीर के मुद्दे का भी समाधान बिल्कुल रखते हुए भी भारत के लिए व्यापार खोले रहेंगे, द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक करेंगे, और पाकिस्तानी का जो आक्रोश था, मतलब जो क्रोध था, उसको दूर रखेंगे। ये कहेंगे तुम गुस्सा बाद में दिखाना, पहले हमको व्यापार कर लेने दो। तो ये क्या प्लान करेंगे, बेहतर तरीके से व्यापार करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये इनकी पॉलिसी में सबसे पहली पॉइंट थी। इसके बाद नई सुरक्षा नीति एक दस्तावेज है जो इन्होंने बनाया है, इसमें पंचवर्षीय नीति है जिसमें अपनी पहली रणनीति का दस्तावेज माना जाता है। व्यापार पर ध्यान देंगे, इसमें इन्होंने कहा कि हम व्यापार पे ध्यान देंगे, कश्मीर पर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, इन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से हम कोई बात नहीं करेंगे कि हमारा हिस्सा है कि नहीं, नीति में सिर्फ एक नॉर्मल चीज रहेगी, भारत के साथ हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है। और इसने क्या कहा, 100 साल तक हम भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहते, आने वाले 100 ईयर्स तक हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, है ना। इन्होंने कहा है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं उसके पे भी हम कंट्रोल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे भारत और हमारे संबंध अच्छे रहें। इसके बाद सरकार के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि मेलजोल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट देखते हैं, कह रहे हैं कि जो सरकार है वर्तमान उसके साथ हम कोई भी मेलजोल नहीं बढ़ाएंगे, बाद में देखेंगे। पाकिस्तान और इनका लगातार टकराव रहा है, नरेंद्र मोदी पहले भी कोशिश कर चुके हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक विवाह समारोह में इस्लामाबाद भी गए थे 2015 में अघोषित रूप से, परंतु जब वो गए थे तब भी इनका किसी ने साथ नहीं दिया,
अब इस नीति के रूप में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो वहां पे बहुत ज्यादा क्या है, करप्शन है, करप्शन बहुत बड़ा रीजन है। इसके बाद ये कहते हैं कि ये पॉलिसी आने के बाद भी वहां पे टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे। आज अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया से ज्यादा बेटा कहां पर टेररिस्ट अटैक होते हैं, पाकिस्तान में। अभी आपको पता होगा कुछ साल पहले पाकिस्तान के स्कूल तक में टेररिस्ट अटैक हो गया था और छोटे छोटे बच्चे तक मार दिए गए। मिलिट्री आर्मी का स्कूल था, आर्मी स्कूल था पाकिस्तान का, वहां पर टेरर अटैक हो गया था। पाकिस्तान में तो नॉर्मली आतंकवादी बम की टेस्टिंग के लिए चौराहे पे बम लगा के फोड़ देते। तो पाकिस्तान खुद आज की डेट में उग्रवाद जैसी कंडीशन झेल रहा है, जो उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, देश के विकास में बाधा। ये कहते हैं कि अगर हम सेना की तरफ जाते हैं और सारी चीजें करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है डेट वी हैव बेटर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट थिंग्स। अब भू राजनीति और भू अर्थव्यवस्था के बीच निर्धारण करने का आर्थिक दबाव की बात है। तो आप जाहिर सी बात है ये क्यों बनाना चाह रहे हैं, ये नीति इसलिए बनाना चाहते हैं कि आज उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल पे आई है। आज जब सीपैक आया था तो उन्हें लगा था कि हमारे कर्जा नहीं मिल रहा, हमें गिफ्ट मिल रहा है। बाद में वो कर्जा निकला, वो भरने की कंडीशन में नहीं थे। और आज पाकिस्तान डेट ट्रैप पॉलिसी में सबसे ज्यादा कंगल है। कहा जाता है जब इमरान खान प्रधानमंत्री बने थे 40 काफले की 72 गाड़ियां नीलाम कर दी गई थी प्रधानमंत्री आवास चलाने के लिए। मतलब सरकारी गाड़ियां बेची जा रही है, काफिले छोटे किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और ये हालत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। भारत को कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने के लिए, क्योंकि चीन जो है वहाँ पर लंगर डाल के ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसने अपनी एंकरिंग वहाँ पे कर रखी है और वहाँ पे अपने शिप से लेकर हर चीज़ लाने की कोशिश में है। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ संबंध इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगी तो वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में अपनी लग्जरी को भी खोती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो नेशन हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें हम उनके साथ मित्रता करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये मित्रता हम बनाएंगे तो हमें फायदा होगा, वरना आने वाले टाइम में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे और भी कॉरिडोर आपके सामने आ जाएंगे। इसी के साथ आज के अध्याय की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समाप्त। अब आपको जो भी पूछना है आप पूछ